नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट। और जैसा कि आपने देखा, 59 मार्च छात्रों के संगठन ने निकाला। असल में ये जो छात्र संगठन है, इसने अपना नाम रखा है छात्र समाज, पश्चिम बंग छात्र समाज। असल में ये जो अभी पश्चिम बंगाल में रेप और मर्डर का ये मामला सामने आया है, इससे पहले ये छात्र संगठन एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन उसके बाद कुछ छात्र अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सामने आए, जिसमें 3 छात्र प्रमुख हैं, और उन्होंने इसके इस मामले में जिसको उन्होंने अभया नाम दिया है, इस लड़की को अभया के लिए इंसाफ की मांग की। उन्होंने कहा कि जिसने ये कृत्य किया है उसको फांसी मिलनी चाहिए, और साथ में उन लोगों की मांग है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो ये छात्र संगठन एक तरीके से स्पॉन्टेनियस तरीके से, स्वतः स्फूर्त तरीके से बना हुआ छात्र संगठन। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस छात्र संगठन को आरएसएस का लिंकेज है इस छात्र संगठन के साथ, ये बताते हुए कांग्रेस ने और वामपंथियों ने अपने आप को इस मूवमेंट से अलग कर लिया। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई कॉमन कॉज है, इंसाफ की मांग एक कॉमन कॉज है, जिसने ये काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर ये कॉमन कॉज है, इतना कॉमन कॉज है कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसको लेकर केंद्र से ये कहती रहीं कि अभी तक जो कानून हैं वो काफ़ी नहीं पड़ रहे हैं और कड़े कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। अगर ये इतना कॉमन कॉज है तो कम से कम विपक्ष को एकजुट होना चाहिए था इसको ये बताते हुए कि इसका आरएसएस से लेना देना है। अगर वामपंथी और कांग्रेसी इसको अपने आप खुद को इससे अलग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इंसान के कंसर्न की जो सामान्य चीज़ें हैं, इंसाफ, जो बुरा कर रहा है उसके लिए सज़ा, क्या इस तरह की कॉमन चीज़ों से, एक जैसे कंसर्न से, साझा जो एक दूसरे को अपील करने वाली चीज़ें हैं, उनसे भी खुद को इसलिए अलग कर दिया जाएगा ये कहते हुए कि इनका आरएसएस से कनेक्शन है। बहरहाल ये तो एक दूसरा मुद्दा हो गया, लेकिन जिस 59 की बात हो रही है, 59 मार्च, ये 59 है क्या? 59 बना है नबो ऑन्नो, मतलब नया अनाज, इन दो शब्दों से। ये एक तरीके का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब धान की नई फसल आती है, नया चावल आता है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये 59 फेस्टिवल मनाया जाता है पूरे पूरे पश्चिम बंगाल में, और यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी, जो कि बांग्ला भाषा बोलने वाला जो क्षेत्र है पूरे में ही ये 59 फेस्टिवल मनाया जाता है। इसी 59 के नाम पर ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल में उभर कर आई, वहाँ की नेत्री के तौर पर मुख्यमंत्री बन गई, तो उन्होंने कहा कि अभी तक जो राज्य का सचिवालय था, जहाँ से सरकार का कामकाज चलता था, वो रॉयटर्स बिल्डिंग रही है। लेकिन रॉयटर्स बिल्डिंग एक तरीके से, क्योंकि वामपंथियों का वहाँ दशकों दशक तक शासन चला, तो एक तरीके से ये कॉनोटेशन बन गया था कि रॉयटर्स बिल्डिंग मतलब यहाँ से वामपंथी शासन चलता है, इसलिए उन्होंने यहाँ के बजाय अपना सचिवालय नई जगह बनाया, और ये जगह थी हावड़ा के भीतर हुगली के किनारे, और आलिशान ये इमारत जिसका सफ़ेद और नीला रंग है, और कुल 14 माले की ये बिल्डिंग है। जो टॉप फ्लोर है वो टॉप फ्लोर राज्य के मुख्यमंत्री के लिए है, ममता बनर्जी के लिए है, और वहाँ पर ये भी है कि ऑफिस के सामने ही 14वें माले में एक भव्य लॉन है, और उस लॉन में जाकर अगर आप खड़े हों तो पूरे के पूरे शहर का एक भव्य नज़ारा वहाँ से मिलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी वहाँ खड़े होकर भी आम जन से जुड़ा ये जो कंसर्न है, इसको पहचान नहीं पाई, समझ नहीं पाई। क्योंकि अगर वो ये समझ लेती, अगर उनकी सरकार ये समझ लेती कि ये आम लोगों का सरोकार है, तो फिर ये छात्र संगठन जो अपनी मांग उठा रहा था उसको इलेजिटिमेट करार ना दिया जाता, ये ना कहा जाता कि ये असल में कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो शांति भंग के प्रयास में ये 59 मार्च निकाल रहे हैं। आपको याद होगा, दिल्ली में जब इस तरह की घटना घटी थी तो निर्भया के लिए इंसाफ मांगते लोग किस तरीके से सड़कों पर उतर आए थे। कभी हम इस जगह पर कोई मार्च देखते थे, कभी किसी दूसरी जगह पर मार्च होते देखते थे, कैंडल लेकर लोग सड़कों पर निकले हुए थे, हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर कुछ छात्रों को यह महसूस हुआ कि उनको इस मामले में कुछ कंक्लूसिव चाहिए, और इसके लिए वो सरकार से जाकर अपनी मांग रखेंगे, और वो इसके लिए सचिवालय तक मार्च करेंगे, तो इसको इलेजिटिमेट बताते हुए और इसमें शामिल लोगों को उपद्रवी बताते हुए आखिर इसे रोकने की कोशिश क्यों की गई? ऐसा क्यों किया गया कि 6,000 पुलिसकर्मी इन छात्रों को रोकने के लिए तैनात कर दिए गए?
ऐसा क्यों हुआ कि 19 जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए? वो पूरा का पूरा ब्रिज जो जहां से होते हुए छात्रों को जाना था हुगली के उस पार हावड़ा में जहां पर ये इमारत है, उस पूरे रास्ते को ब्लॉक क्यों किया गया? और फिर सिर्फ इतना नहीं, उनको रोकने की कोशिश हुई जब उन्होंने उन छात्रों ने बैरिकेडिंग को धकेला और आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज से लेकर टीयर गैस तक का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या ये इसको सिर्फ ये कह देना कि ये उपद्रवी तत्व हैं, ये जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने तो ये भी कहा कि यहाँ हमेशा ये सचिवालय के आसपास कानूनन 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, और ऐसे में इन लोगों ने यहाँ मार्च करने के लिए अगर फैसला किया है तो ये तो पहले ही कानून के विरुद्ध है, और इसलिए इस तरीके के लोगों को रोकना हमारा काम है। लेकिन क्या वो सरकार ये भी समझ रही है कि इस घटना को लेकर जनता के मन में कितना आक्रोश है? हर किसी व्यक्ति को आप उस दिन देखिए, शुरू से ही इस पूरे मामले में ममता बनर्जी कभी राम वाम कर देती हैं, कभी कह देते हैं कि ये तो लोग जो हैं इनका उपद्रवियों से ताल्लुक़ है, और ये सिर्फ अभी जैसे इसमें कह दिया गया कि ये जो 99 मार्च निकाल रहे हैं लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसमें शामिल थे, उनका काडर भी इसमें शामिल है, और ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है। क्यों हर बात में आखिर ममता बनर्जी सियासत देख रही हैं? क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये एक डॉक्टर की ज़िंदगी, बहुमूल्य ज़िंदगी, और उसके साथ जो ये कुकृत्य हुआ है, ये भीषण कुकृत्य, उसको लेकर लोगों के मन में ये आक्रोश है? इसको सीधे इस तौर पर देखने के लिए उस 14वें माले में खड़े होकर भी ममता बनर्जी विफल क्यों हो रही? अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो 24 घंटे के लिए अब बंगाल बंद बुलाएंगे, क्योंकि इन छात्रों के साथ जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही है कि 6000 की जो गिनती बताई जा रही है कि पुलिस वाले लगाए गए थे, ये 6000 नहीं थे, 15000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इन छात्रों को, स्टूडेंट्स को रोकने के लिए लगाए गए थे। और ये भी बताया जा रहा है कि इन छात्रों को कुछ को इससे पहले कि 99 मार्च शुरू हो, उनमें से कुछ छात्रों को गायब कर दिया गया। तो क्या आने वाला ये वक्त, आखिरकार ये तीनों मांगे जो हैं, इंसाफ की मांग, फांसी की मांग जिसने ये किया, और ममता बनर्जी का इस्तीफा, क्या आखिर इसी छात्र संगठन की मांग से ही ममता बनर्जी के लिए वो मुश्किलें खड़ी होने वाली? तो पहली बार ये 99 मार्च हो रहा है ऐसा नहीं है, 2021 में भी 99 मार्च हुआ था, तब ये मार्च किया गया था सरकार में जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर वामपंथियों की तरफ से, इसमें स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया भी शामिल था, इसमें यूथ डेमोक्रेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया भी शामिल था, वामपंथी संगठन कई इसमें शामिल थे, और फिर ये जो मार्च था एक तरीके से सरकार के साथ संघर्ष में बदल गया था। लेकिन इस बार क्या होने वाला है? इस बार फिर से 99 मार्च हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी ने बंद का आह्वान भी किया है, आगे क्या इस तमाम पूरे सिनेरियो को एक तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताते हुए ममता बनर्जी अपने कदम आगे बढ़ाएंगी, या इसमें स्त्रियों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राज्य सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम भी उठाया जाता है जो आश्वस्त करने वाला हो वहाँ की जनता को, ये इस बात पर निगाह रहेगी। फिलहाल इतना ही।